बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मदी हरवास किचन। आज मैंने किचन में बनेगी बहुत ही क्विक सी अचारी चिकन। जी ये रेसिपी जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्विक है, इतनी जल्दी बन जाएगी कि आप लोग बोलेंगे ये क्या मजाक हो रहा है। लिमिट इन्ग्रीडियंट्स के अंदर हम डालेंगे, झटपट सी बनाएंगे और करेंगे इन्जॉय। तो चलिए हम करते हैं बनाना स्टार्ट। सिंपल सी क्विक सी चिकन अचारी बनाना करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ के जी ऑफ चिकन, जैसे नॉर्मल जो करी कट होती है वो मैंने लिया है। उसके बाद देखिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ कप ऑफ योगर्ट। इसमें मैं देखें बहुत ही लिमिटेड से मसाले डाल रही हूँ, जिसमें कि मैंने लिए है देखें 1.5 टेबल स्पून ऑफ सौंफ, 1 टी स्पून ऑफ कलौंजी, 1 टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। इट डिपेंड्स कि आप कितनी चिली लाइक करते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। 1/2 टी स्पून ऑफ हल्दी एंड 1 टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड दैट्स इट। ये सारा कुछ देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन देखें मेरी परफेक्टली हो गई है मिक्स। अब मैं इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद हम इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी तब करते हैं हम अपनी चिकन बनाना स्टार्ट। उसके लिए मैंने देखें ले लिया है पैन। इसके अंदर मैं डालूंगी रफली 1/2 कप ऑफ ऑयल। अच्छा जी, ऑयल के अंदर मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना, यानी कि 1/4 टीस्पून। आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है। If you enjoy this video, press the like button, subscribe my channel and press the bell icon. अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने लिए है एक बिग साइज की अनियन, उसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। ये देखिए जो हमारी अनियन थी वो गोल्डन होने पे आ गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक। और अब इसके बाद जो हमने अपनी चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे सारी। अच्छा देखिए चिकन डालने के बाद जो है ना हम थोड़ा सा चिकन को गलने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिड और आप इसको थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट्स के लिए कुक होने दें। अच्छा जी वेलकम बैक आफ्टर 2-3 मिनट्स। मैं जल्दी से आ गई हूँ क्योंकि चिकन यहाँ पे बहुत जल्दी हमारी टेंडर हो जाती है। तो ये देखिए चिकन मेरी बस अब टेंडर हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब मैं इसके अंदर कुछ और इंग्रीडियंट्स ऐड करूँगी जो कि हैं देखें यहाँ पे मैंने लिया 1 बिग साइज ऑफ टमाटो। अगर आप बिग नहीं तो आप फिर 2 मीडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डाल दीजिए आप इसके अंदर और एक बार फिर मैं इसको लिड लगा के 2-3 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो हमने टमाटोज डाले हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। सी यू आफ्टर 2-3 मिनट्स। वेलकम बैक आफ्टर 3 मिनट्स रफली। ये देखिए हमारे जो टमाटोज थे वो भी सॉफ्ट होने लगे हैं। अब मैं इसको इसकी लिड हटा के इसको कुक करूंगी हाई फ्लेम पे, क्योंकि चिकन मेरी बिल्कुल परफेक्टली टेंडर है। इसको हमें और गलाना नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है इसमें थोड़ा सा ये वाटर इसको एवेपरेट करना है। अच्छा अब 2 इंग्रेडिएंट्स और हैं जो मैं इसमें डालूंगी। देखें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस एंड ऑलमोस्ट 5-6 जो है ये जो मोटी वाली हरी मिर्ची होती है जिसे बुलेट चिलीज भी बोलते हैं, मैं इसमें वो डालूंगी। अच्छा देखिए वैसे जो ऑथेंटिक बनता है अचारी चिकन जो बनती है उसके अंदर आप ग्रीन चिलीज को भी फिल करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बहुत ही ईजी और क्विक वर्जन सिखा रही हूँ। ये बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें मिर्चें कम पड़ती हैं, माइल्ड वर्जन है लेकिन टेस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है। बस अब हमने क्या करना है, देखें फुल हाई फ्लेम पे रख के हमने अपनी चिकन को भून लेना है। और ये देखिए हमारा जो सालन है वो ऑलमोस्ट भुन चुका है, भुनने पे आ गया। देखें ऑयल इसमें सेपरेट होने लगा है और बस अब इसको मैं 1 मिनट और चलाऊंगी। ये देखिए हमारी जो अचारी चिकन है वो ऑलमोस्ट भुनने पर आ गई है। देखें आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा होगा इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल ऊपर सेपरेट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा ये इस तरह से भुनी भुनी सी ही मज़े की लगती है। तो बस अब ये डन है, अब इसको हम करते हैं जल्दी से डिश आउट और मैं आपसे मिलती हूँ सर्विंग सजेशंस पर। और ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी अचारी चिकन बिल्कुल हो चुकी है तैयार। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखें ये क्या मज़ेदार लग रही है, बहुत ज़्यादा थी सिंपल। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर देंगे, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है आप लोगों के खाने के लिए। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये इतनी आसान रेसिपी कि आप लोग बोलेंगे क्या मजाक हो रहा है मदिया। कभी कभी दिल चाहता है इंसान का कि आप कुछ सिंपल बनाएं। देखें जरूरी नहीं है हमेशा कि हर रेसिपी के अंदर हम बेतहाशा स्पाइसेस डालें। समटाइम जो रेसिपीज बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनती हैं वो ज़्यादा टेस्टी होती हैं। इसी तरह से देखिए
जो आपने नॉर्मली अचारी चिकन खाई होगी उसमें वो बहुत ज़्यादा अचार के मसाला डालते हैं, उसको फिल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। लेकिन जो मैंने आपको रेसिपी बनाई बताई है आज, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो थोड़ा सी आप इसमें कुटी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, क्रश चिली आप हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर दीजिए। इसके अलावा इसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने लेमन डाला है वो उसमें टेंगी टेस्ट देगा। और बस ये बेहतरीन तैयार है, इसको आप कुल्चों के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, सबके साथ ज़बरदस्त जाती है। तो चलिए इस पॉइंट पर मैं जाती हूँ आप लोगों से इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज आती हैं पसंद तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।